हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि हमारा सेकंड हेड है, जो कि हमारा सेकंड हेड है इनकम टैक्स का, और सेक्शन 22 से लेकर 27 तक इसके अंदर हम कवर करता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 22 से लेकर 27 तक को वो कवर करता है। ठीक है, फॉर द हम असेसमेंट ईयर 1920 के रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे, और आपके ये जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं, CA, CS या CMA के जो इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो जुलाई जून और जुलाई के महीने में जो एग्जामिनेशंस होंगे, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इसमें साथ साथ में ये, और ये खास तौर से ये उन UGC नेट और JRF के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रूल्स होंगे। एज वेल एज इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करूंगा, जो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, सबसे पहले टैक्सेबल इनकम को हम कंप्यूट करेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 के लिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट की जाती है, ग्रॉस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी इसके आगे के रूल बताऊंगा अभी आगे आकर। लेस करेंगे म्यूनसिपल टैक्स, उसमें से जो कि पेड बाय द लैंडलॉर्ड होता है। एनुअल वैल्यू निकल कर आ गई हमारी, और उसके बाद हमारा स्टैंड डिडक्शन 30% के हिसाब से इसमें डिडक्ट किया जाएगा, जो कि एनुअल वैल्यू पर कैलकुलेट होगी, और सेक्शन 24 सबसेक्शन ए के तहत पर डिफाइन की गई है। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा आएगा, जो कि सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के तहत में इसको हमें डिस्कस करेंगे। इसको आगे जाकर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो गई। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल फॉर्मेट्स है, इसके ऊपर ही सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अब एक एक करके मैं इन सारे सारे रूल्स को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी आएगी आपकी रेंट कंट्रोल एक्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, तो हम म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और रेंट रिसीट, विच एवर इज हायर, जो भी म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और रेंट रिसीट में से जो भी इसमें हायर होगा, उसको हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेते हैं, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। राइट, इसके बाद हमारा रेंट अगर कंट्रोल एप्लीकेबल है, अगर रेंट कंट्रोल एप्लीकेबल होगा, तो याद रखिएगा हमेशा स्टैंडर्ड रेंट गिवन होगा। क्या होगा? स्टैंडर्ड रेंट हमेशा गिवन होगा हमें। तो म्यूनसिपल टैक्स का फेयर रेंट से कंपेयर करेंगे, अगर विच एवर इज हायर है, तो हमें उस हायर अमाउंट को कंसिडर करेंगे। हायर अमाउंट का कंपेयर जो है स्टैंडर्ड रेंट से किया जाएगा, जो कि लोअर होगी, जिस इन दोनों में जो भी लोअर होगी उसको हम उससे कंपेयर करेंगे। लोअर अमाउंट का रेंट रिसीव से कंपेयर किया जाएगा, जो कि इसमें हायर अमाउंट जो भी होगी इन दोनों में, वो हमारी क्या कहलाएगी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो कि हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर? राइट, इसके बाद हम लोग इसमें कहाँ ग्रॉस एंड वैल्यू को टेकन टू बी नील माना जाता है। तो ग्रॉस एंड वैल्यू टेकन टू बी नील होगी जब प्रॉपर्टी यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस। ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टी का यूज सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी इज टेकन टू, जो ग्रॉस एंड वैल्यू इज टेकन टू बी नील मानी जाएगी। प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस पर्पस, अगर आप खुद के अपने बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं, तब भी हमारी ग्रॉस एंड वैल्यू टेकन टू बी नील मानी जाएगी। क्लियर? इफ प्रॉपर्टी वेकेंट फॉर एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, अगर प्रॉपर्टी जो है कुछ महीनों के लिए खाली है, कुछ महीनों के लिए के उसने किराए पर चढ़ा दिया है, तो पर कुछ महीने खुद रह रहा हो, कुछ महीने के लिए उसने किराए पर चढ़ा दिया, तो टेकन उसका जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू टेकन टू बी फुल ईयर के लिए मान लिया जाएगा। ठीक है, इफ SSC owns two house property, अगर एक से ज़्यादा उस पर हाउस प्रॉपर्टीज हैं, तो बहुत थोड़े सेल्फ ऑक्यूपाइड टेकन टू बी इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। जनरली डीम टू बी लेट आउट, सेक्शन 24(4) का म्यूनसिपल वैल्यूज लोअर है, तो वो हमारी सेल्फ आपको डीम टू बी लेट आउट हो जाएगी, और जिसकी म्यूनसिपल वैल्यू हाई है, तो उसकी जो है हमारी म्यूनसिपल वैल्यू जिसकी हायर है, वो हमारे उसका सेल्फ ऑक्यूपाई। या इसका फिर एक लॉन्ग प्रोसेस और है कि आप सबको कैलकुलेट करके देख लीजिए, जिसमें टैक्स कम बनता है वो आपका, जिसमें हमारा टैक्स कम बनेगा वो हमारी डीम टू बी लेट आउट मान लीजिए, जिसमें टैक्स ज़्यादा बनेगा उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी मान लिया जाता है। लेकिन ये मैंने शॉर्टकट बना दिया है कि जब म्यूनसिपल वैल्यू कहीं ना कहीं म्यूनसिपल वैल्यू से कंपेयर करेंगे, म्यूनसिपल वैल्यू अगर इसका लोअर होगा उसको हम डीम टू बी लेट आउट मान लेते हैं, जिसका म्यूनसिपल वैल्यू हायर होगा उसका डीम टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान लिया जाता है। क्लियर, तो हमारा ग्रॉस एंड वैल्यू के ये सिंपल से रूल से मैंने जो आपको डिस्कस कर, जब रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, जब रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होता है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रूल्स को मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया। ठीक है, अब आता है म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स हमारे किसने दिया है? ओनर ने दिया है या टेनेंट ने दिया है? अगर ओनर ने दिया है तो पेबल है, तो नॉट डिडक्टेड, और अगर पेड है तो डिडक्टेड है। ठीक है, अगर म्यूनसिपल टैक्स ओनर ने पे किया है, अगर ये पेबल है तो नॉट डिडक्टेड है ग्रॉस एंड वैल्यू में से, और अगर पेड है तो डिडक्टेड है। अगर टेनेंट ने दिया है तो कोई भी डिडक्टेड नहीं किया जाएगा। इसके कुछ और रूल्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसमें।
अगर टैक्स पेड टू फॉरेन लोकल अथॉरिटी, अगर हमारे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, क्या अगर हमारी हाउस प्रॉपर्टी बाहर एब्रॉड में है और वहाँ पे हम कोई टैक्स जमा करते हैं म्यूनसिपल, वहाँ पे लोकल अथॉरिटी को कोई टैक्स जमा करते हैं, तो वो भी जो वो टैक्स भी अलाउड एज डिडक्शन के लिए अलाउड माना जाएगा, ठीक है। अगर उससे हमें कोई इनकम हो रही है तो हमारे यहाँ पर टैक्सेबल होती है, ठीक है। वो भी आगे जाकर उसके रूल्स को एक बार डिस्कस करेंगे। टैक्स एक्सीड जीएवी, अगर हमारा टैक्स एक्सीड म्यूनसिपल टैक्स हमारा जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू से अगर अधिक है तो नेट एनुअल वैल्यू जो होगी हमारी नेगेटिव मान ली जाएगी, ठीक है। रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, अगर म्यूनसिपल टैक्स का रिफंड आता है तो रिफंड ऑफ म्यूनसिपल टैक्स इज पेड फॉर अ प्रॉपर्टी इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22 के तहत, हम उसको पर टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर टैक्स का रिफंड आ रहा है म्यूनसिपल टैक्स से तो हम उस पर नहीं लगाएंगे। और एडवांस टैक्स, अगर हमने एडवांस म्यूनसिपल टैक्स जमा कर दिया है, एडवांस म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय द एसएससी, तो एडवांस टैक्स को भी हम डिडक्टेड नहीं करते। प्रीवियस के हम डिडक्टेड कर लेते हैं, ग्रॉस एनुअल में से माइनस कर दिया जाएगा, लेकिन एडवांस टैक्स को अगर हमने म्यूनसिपल टैक्स एडवांस में जमा कर दिया तो वो डिडक्टेड नहीं है, वो करंट ईयर के अंदर ही डिडक्टेड माना जाएगा, क्लियर। उसकी डिडक्शन हमें करंट ईयर के अंदर ही दी हुई मानी जाएगी, क्लियर। तो मैंने आपको ये चार पॉइंट इसमें नए और ठीक है। अगर लोकल फॉरन फॉरन में हमारी प्रॉपर्टी है तो उस पर दिया हुआ लोकल टैक्स जो है डिडक्टेबल है। अगर टैक्स एक्सीड डीएवी है तो एनएवी नेगेटिव होगी। रिफंड ऑफ टैक्स हमारा अगर आ रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और एडवांस म्यूनिसिपल टैक्स अगर आपने जमा किया हुआ है तो वो डिडक्टेबल नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो सेक्शन 24 सब सेक्शन ए के तहत डिफाइन की गई 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का हम डिडक्टेड करते हैं, जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के रूल्स को समझ लीजिए अच्छी तरीके से। इंटरेस्ट ऑन लोन का रूल क्या है कि आपने लोन किस पर्पज के लिए लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी या लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड, ठीक है, प्री पीरियड प्लस पोस्ट पीरियड। प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड को समझ लीजिए। प्री पीरियड वो पीरियड होता है जब आप जब से आपने लोन लिया है और जब तक तो मकान बन के तैयार हुआ है उस पीरियड को हम कहते हैं प्री पीरियड, और जब मकान बन के तैयार हो जाता है उसके बाद के पीरियड को हम कहते हैं पोस्ट पीरियड, ठीक है। इन दोनों के से जुड़े हुए इंटरेस्ट को हम लोग ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा टोटल इंटरेस्ट। अब इस अमाउंट का जो हम कंपेयर करेंगे कि हमारा 30,000 और 2 लाख रुपीज है, अगर हमारा लोन जो है टेकन 99 से पहले लिया गया है तो हमारा 30,000 मैक्सिमम अमाउंट यानी कि टोटल इंटरेस्ट और 30,000 विच एवर इज लोअर अमाउंट, और अगर 99 के बाद लिया गया है तो टोटल इंटरेस्ट और 2 लाख रुपए विच एवर इज लोअर अमाउंट, ठीक है। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड के लिए है तो टोटल इंटरेस्ट बनेगा इसमें भी इसी तरीके से, और यहाँ पर पूरी की पूरी अमाउंट डिडक्टेबल है। यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा अमाउंट जो होगा हमारा डिडक्टेबल होगा, ठीक है। लोन टेकन फॉर अ रिपेयर पर्पस, अगर हमने लोन जो है रिपेयर पर्पस के लिए लिया है, ठीक है, ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए था। अगर हम लोन रिपेयर पर्पस के लिए है तो अगर हमने रिपेयर पर्पस के लिए तो मैक्सिमम परमिशेबल डिडक्शन वो 30,000 की ही मानी जाएगी, चाहे वो लोन आपने 99 से पहले लिया हो या 99 के बाद लिया हो, ठीक है। प्री पीरियड इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट ऑफ लोन इंटू रेट इंटू कंस्ट्रक्शन पीरियड अपॉन 100 इंटू 12, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। कौन कितने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो प्रीवियस ईयर चल रहा है 18-19 से पीछे हमारा, अब अगर इसका हम लोग देखें 2018-19 2017-18 2016-17 2016-15 और 2014-15 14 एंड 13, ठीक है, 15 14, ठीक है, सेवेंटीन एटीन, फिर आएगा हमारा 16-17 और फिर आएगा हमारा 15-16, ये भी कटेगा, टू थाउजेंड 15-16 और फिर 2014-15, ठीक है। अगर हमारा 2014 से
ये हमारी फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट इससे, अगर ये लोन हमारा 2014-15 से लिया गया है तो ये फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमारा डिडक्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आप उसको फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट आपकी ख़त्म हो चुकी है इस, राइट। तो इस पर ध्यान रखेंगे हम लोग। पोस्ट पीरियड का जो हम लोग लोन कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट ऑफ लोन इंटू रेट अपॉन 100 करके कैलकुलेट कर दिया जाएगा, क्लियर। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE की, अब 80EE की डिडक्शन क्या होगी हमारी, वैसे भी डिडक्शन का अलग से आपको पूरा टॉपिक को रिवाइज कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा रूल हम पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू का 50 लाख से ज़्यादा की और लोन के अमाउंट 35 लाख से कम की है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम है और लोन के अमाउंट 35 लाख से कम है तो हमें 50,000 रुपये की और फर्दर डिडक्शन मिल जाती है, जो कि हमारी 1,50,000 प्लस 50,000 2 लाख रुपये की डिडक्शन के बराबर हो जाएगी, ठीक है। एरियर ऑफ रेंट सेक्शन 25B के अंतर्गत डिफाइन किया गया, अगर एरियर रेंट हमें मिलता है तो रेंट रिसीप्ट माइनस 30% ऑफ रेंट रिसीप्ट, 30% ऑफ रेंट रिसीप्ट टैक्सेबल वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी। एग्जम्प्टेड इनकम हमारी कौन कौन सी है, वन पैलेस सेक्शन 10 सब सेक्शन 19A के तहत में वन पैलेस, लोकल अथॉरिटी भी हमारी एग्जम्प्टेड इनकम के अंतर्गत होती है सेक्शन 10 सब सेक्शन 20 के तहत में, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन सेक्शन 10 सब सेक्शन 24 के तहत में, लेटिंग ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस सेक्शन 10 सब सेक्शन 29 में, और रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के सेक्शन 11 के तहत में। तो ये हमारी इनकम क्या हो गई, एग्जम्प्टेड इनकम्स कहलाएंगी, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं हम लोग। फॉरन अगर हमारी प्रॉपर्टी फॉरेन में है, हमने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है वो फॉरेन में है, तो अगर हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो ऑलवेज टैक्सेबल रहेगी, ठीक है हमारे यहाँ पर। अगर नॉट ऑन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट अगर केस में है तो अगर इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुई है तब तो वो टैक्सेबल होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। डिस्प्यूटेड ऑनरशिप, इसे कुछ कुछ स्पेशल केसेस में रूल्स और उसको अच्छी तरह हम लोग दिमाग में रख लेते हैं। हु एंजॉय द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी केस में जो जिसके पास प्रॉपर्टी है और जो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है वो एसेसिबल ऑफ टू टैक्स माना जाएगा, ठीक है। कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट का मतलब होता है सम रिसीट फॉर द यूज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। अगर कंपोजिट रेंट अगर हमने यूज कर रहे हैं यूज बिल्डिंग तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लिखा जाएगा, और अगर अदर एमिनिटीज के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट ऑन गेन ऑफ बिजनेस या फिर हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत लिखा जाएगा, क्लियर। इसके बाद लास्ट और ये इंपॉर्टेंट रूल आया, इसमें रिवाइज भी है कोई, प्रॉपर्टी हेल्ड एज एन स्टॉक इन ट्रेड सेक्शन 23 सब सेक्शन 5 के तहत में, एनुअल वैल्यू इस तरह के एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी अगर 2 साल से कम समय तक के लिए स्टॉक इन ट्रेड पे रखा हुआ प्रॉपर्टी को तो उसकी एनुअल वैल्यू को टेकन टू बी नील मानी जाएगी, अगर 2 साल से ज़्यादा समय तक के लिए रखा हुआ है तो उसकी एनुअल वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे जैसे रूल के हिसाब से अकॉर्डिंग, ठीक है, डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा, क्लियर। तो ये हमारे सारे एक और डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी का मतलब है कि सेक्शन 22 ये बात कहता है कि जो टैक्स हम लिवाई करते हैं वो एनुअल वैल्यू के ऊपर करता है, ठीक है, एक्चुअल इनकम के ऊपर नहीं, एनुअल वैल्यू पर होता है एक्चुअल इनकम के ऊपर नहीं। जैसे जो डॉक्ट्राइन म्यूचुअलिटी जो होता है वो हमारा अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्लब वगैरह को हमने की जो बिल्डिंग है उससे जो हमें इनकम हो रही है तो उसके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और क्योंकि प्रॉफिट ओरिएंटेड के पर्पस के लिए काम नहीं कर रहा है, इसलिए जो है जो भी हमारा टैक्स होगा वो वहाँ पर निल माना जाएगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी कहता है कि सेक्शन 22 में कि हमारी जो टैक्स लगेगा वो उसकी एनुअल इनकम पर नहीं लगता है, हमारी एक्चुअल इनकम एनुअल वैल्यू पर लगता है, एक्चुअल इनकम के ऊपर नहीं लगता, क्लियर। तो ये हम लोगों ने सारे रूल्स को डिस्कस किया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के। अब हम इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, प्लीज। सबसे पहले रेंट ऑफ वैकेंट साइट इज टैक्सेबल एज, रेंट ऑफ वैकेंट साइट इज टैक्सेबल एज, किस में हम टैक्स करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रेंट ऑफ वैकेंट साइट जो है हमारी अदर सोर्सेज की इनकम है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और बिजनेस इनकम एज द केस में भी, ठीक है, वो अदर सोर्सेज में मैंने भी आपको अभी रूल्स में डिस्कस किया था कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी हो सकती है और बिजनेस की इनकम जैसा भी उसका केस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, मिस्टर जे इज हैविंग अ प्लॉट ऑफ लैंड, ही हैज लेट आउट दिस टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम, रेंट ऑफ
प्लॉट ऑफ लैंड विल बी टैक्सेबल एज, ठीक है, मिस्टर जे जो है यहाँ पे हैविंग अ प्लॉट ऑफ लैंड, ही हैज़ गेट लेट आउट दिस अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम और मिली रेंट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड विल बी टैक्सेबल, किस तरीके से आएगा हमारा, तो इनकम फ्रॉम जो प्लॉट ऑफ लैंड का से रिलेटेड हमारा रेंट मिल रहा है, तो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में जाएगा, ठीक है। थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट फॉर डिटरमाइनिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट को हम क्या करते हैं, एक्चुअल रेंट में से डिडक्ट करते हैं, एक्चुअल रेंट में से इसको हम डिडक्ट करते हैं अनरियलाइज रेंट को, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूनसिपल टैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम जीएवी, म्यूनसिपल टैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम जीएवी शुड बी पेड बाय द ओनर, ठीक है, मैंने आपको म्यूनसिपल टैक्स के बारे में बताया था कि अगर ओनर ने पे किया है तब तो वो डिडक्टेबल है, अन्यथा अगर टेनेंट ने किया है तो वो डिडक्टेबल नहीं होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए के तहत में हमारी कौन सी डिडक्शन होगी, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, ठीक है, ये हमारी डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी कहलाती है हमारी, और जो कि 30% ऑफ एनुअल वैल्यू नेट एनुअल वैल्यू के आधार पर होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा हमारा, द सीलिंग लिमिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड है, तो कितनी है, 2 लाख रुपए की है, अभी हम लोग डिस्कस किया था, ठीक है। 7, वेयर एन एसएससी हैज़ 2 हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, द बेनिफिट ऑफ निल एनुअल वैल्यू विल बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी का, जो हमारा निल होगा, एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी, जो भी जिसको भी ऑप्शन वो करता है, ठीक है, या फिर हम लोग ये देखते हैं कि जिसका भी हमारा टैक्सेबल वैल्यू ज़्यादा आती है वो तो उसको हम डीम टू सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं, और जिसमें टैक्सेबल वैल्यू कम आती है तो उसको हम डीम टू भी लेट आउट कर लिया जाता है, क्लियर। मिस्टर जी रिसीव्ड 30,000 एज एरियर ऑफ रेंट ड्यूरिंग द 1920 प्रीवियस ईयर 2018-19 के तहत में, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 25A में कौन सी होगी, 30% ऑफ आती है हमारी, तो 30,000 का 30% 9,000 रुपीज़ हम इसमें डिडक्ट करेंगे, 30,000 का 30% डिडक्शन काटेंगे, 9,000 रुपये आएगा, 30,000 में से 9,000 रुपये माइनस कीजिए तो 21,000 हमारा इसका आंसर आएगा। अमाउंट टैक्सेबल पूछिए, डिडक्टेड अमाउंट 9,000 और टैक्सेबल अमाउंट हमारी 21,000 हो जाएगी, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन में हम देखते हैं, मिस्टर जे एंड एस आर को ओनर ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, को ओनर हैं, दे ओन 50% शेयर ईच, द इंटरेस्ट पेड बाय ईच को ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन प्रॉपर्टी 2004 इज ₹2,05,000 ईच, द अमाउंट ऑफ अलाउेबल डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ ईच को ओनर को कितनी कितनी हमारी डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्म से, क्योंकि को ओनर हैं दोनों अलग अलग को ओनर हैं, जे अलग है, जे अलग एसएससी और एस अलग एसएससी है, तो हर एक एसएससी को जो है 2 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन मिलती है, 2 लाख रुपए तक की यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, मिस्टर जे हैज़ टेकन हाउस हाउस ऑन रेंट एंड सब लेट द सेम टू मिस्टर ए, ए इनकम ऑफ मिस्टर जे फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी शैल बी, जो उससे रिलेटेड हमारी जो भी इनकम होगी वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत जोड़ी जाएगी, ठीक है। भाई उसने रेंट पर कोई प्रॉपर्टी ली, उस रेंट प्रॉपर्टी को उसने फर्दर जो है सब टेनेंट को दे दिया, जब जो चीज़ सब टेनेंट से हमें जो रेंट रिसीव्ड होगा वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आती है, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड स्टैचुअरी डिडक्शन अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हमारी कहलाएगी 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्स शैल नॉट इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें हमारी म्यूनसिपल टैक्स में इंक्लूड नहीं होती, हाउस टैक्स होता है, सीवरेजिंग टैक्स होता है, वाटर टैक्स होता है हमारा, स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस हमारे इसमें इंक्लूडेड नहीं होते, ठीक है। अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या चीज़ हम लोग इसके अंतर्गत लेते हैं हम, तो इनकम फ्रॉम बिल्डिंग एंड लैंड विच इज़ अटैच टू बिल्डिंग इज टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग एंड लैंड विच इज़ अटैच टू बिल्डिंग इज टैक्सेबल होगी इनकम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। डिडक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड इज कवर्ड अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी के तहत में आती है, ठीक है। अनरिलीज रेंट रिलीज सब्सिक्वेंटली देन इट्स टैक्स ट्रीटमेंट इज गिविंग अंडर सेक्शन, अनरिलीज रेंट का जो जो आएगा वो किस सेक्शन के तहत हमारा आता है, तो सेक्शन 25 सब सेक्शन ए के तहत में हम लोग उसको डिस्कस करते हैं अनरिलीज रेंट का, ठीक है। अनरिलीज रेंट इज अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम, किस में से हम लोग उसको जो है
डिडक्टेड करते हैं तो एक्चुअल रेंट में से, किस में से हम करते हैं, एक्चुअल रेंट में से. क्लियर. द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड ऑनरशिप इज गिविंग, कौन से सेक्शन में दिया हुआ है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड, अंडर सेक्शन 27 में दिया हुआ है. ठीक है. मीनिंग एंड चार्जेबिलिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज गिविंग, किसमें, अंडर सेक्शन 22 के अंतर्गत दिया हुआ. मीनिंग एंड चार्जेबिलिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज गिविंग अंडर सेक्शन 22 में, हमारा मीनिंग एंड चार्जेबिलिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज डिडक्टेबल वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ कंडीशन गिविंग अंडर सेक्शन, कंडीशन जो कि हमारी गिविंग होगी अंडर सेक्शन 25, अगर वो हमने इंटरेस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल जो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया से हमने जो बोरो किया हुआ है डिडक्टेबल वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो गिविंग अंडर सेक्शन जो 25 की कंडीशन को वो फुलफिल करेगा. ठीक है. 20. मिस्टर जे हैज़ टेकन द हाउस प्रॉपर्टी ऑन लीज फॉर 15 ईयर्स फ्रॉम मिस्टर एस एंड लेट आउट द सेम फॉर मिस्टर डे. इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी अर्न बाय मिस्टर जे शैल बी टैक्सेबल. ठीक है. तो ये कैसे टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज मिस्टर जे इज़ द डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, बी इसका आंसर रहेगा. क्यों, क्योंकि जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हैड ना मिस्टर जे के, मिस्टर जे इज हाउस प्रॉपर्टी ऑन लीज फॉर 15 ईयर्स, क्योंकि अब पजेशन तो मिस्टर जे के पास हो, जी लेगा मिस्टर एस फ्रॉम मिस्टर एस एंड लेट आउट फ्रॉम द सेम टू मिस्टर डी. इनकम फ्रॉम सच हाउस अर्न बाय मिस्टर जे शैल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज मिस्टर जे इज डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा. ठीक है. 21. मिस्टर जे गिफ्टेड हिज हाउस प्रॉपर्टी टू हिज मैरिड माइनर डॉटर. द इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, जो है टैक्सेबल भी यहाँ पर, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन के ट्रांसफ़र किया हुआ है तो टैक्सेबल फॉर मिस्टर जे के उसमें ट्रांसफ़र की जाएगी. हाउएवर इट विल बी फर्स्ट कंप्यूटेड एज अ माइनर डॉटर इनकम एंड क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मिस्टर जे. हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको को डॉटर माइनर डॉटर इनकम के अंदर उसको इनकम के साथ उसको क्लब करेंगे और के साथ हम लोग उसको पहले उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसके जे की इनकम के साथ उसको क्लब कर दिया जाएगा. क्लबिंग ऑफ इनकम का मैं आगे जाकर इसको रूल्स को डिस्कस करेंगे हम. इफ नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट इज नेगेटिव देन विच डिडक्शन शैल बी अलाउड. ठीक है. अगर नेट एनुअल वैल्यू जो है हमारी वो है तो हम कौन सी डिडक्शन देंगे, क्योंकि जब नेट एनुअल वैल्यू हमारी एनईवी हमारी नेगेटिव में जाती है तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की डिडक्शन नहीं अलाउड होती, सेक्शन 24A नहीं चलता. यहाँ पर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन की हम उसमें से डिडक्टेबल कर सकते हैं. ठीक है. द बेस्ट ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज द बेसिक ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जो होगी एनुअल वैल्यू. ठीक है. एनुअल वैल्यू के आधार पर बेसिक ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है. कौन सा जो है डीम्ड ओनरशिप का केस नहीं है, तो देखते हैं हम लोग. डीम्ड ओनरशिप में यह होगा, पहली बार ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू अ स्पाउस फॉर द इनएडुकेट कंसिडरेशन, ये हमारा होगा. ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी टू अ माइनर चाइल्ड, ये भी हमारा डीम्ड ओनरशिप के अंतर्गत. इन इंडिविजुअल हु इज अ होल्डर ऑफ इम्पार्शियल, ये भी होगा. को ओनरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये हमारा डीम्ड ओनरशिप नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो को ओनरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हमारी डीम्ड ओनरशिप के अंतर्गत नहीं आती. ठीक है. म्यूनसिपल टैक्स आर डिडक्टेड फ्रॉम, किसमें से डिडक्ट किया जाता है, सीधा सीधा नेट एनुअल वैल्यू में से डिडक्ट किया जाता है. ठीक है. म्यूनसिपल वैल्यू, सॉरी, जी वी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से डिडक्ट किया जाता है. कंपोजिट रेंट ऑफ लेट हाउस हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल, कंपोजिट रेंट जो होगा हमारा लेट हाउस हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल. प्रॉफिट एंड गेन ऑफ कंपोजिट रेंट जो होगा लेट हाउस, या तो हमारा प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में से या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से आता है कंपोजिट रेंट. ठीक है. जो भी उसकी कंडीशन के आधार पर रहेगा. 27. वेन शेयर ऑफ ईच को ओनर इज इन अ हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट डिफाइंड डेफिनेट द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल बी टैक्स एज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन. ठीक है. अगर वेन शेयर ऑफ ईच ओनर इज अ हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट डेफिनेट नहीं है तो इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी जो कि टैक्स एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन के आधार पर ही उसको कैलकुलेट किया जाएगा. ठीक है.
When a house property is let out for a monthली रेंट उस 25,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, ठीक है, एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बाय वे ऑफ सैलरी टू अ स्वीपर वॉचमैन इज 6,000 पर मंथ, द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वुड बी, कितनी होगी हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उस कंडीशन में? 2,50,000 है हमारा, 2,50,000, और 25,000 इंटू 12 करेंगे तो 3 लाख रुपये आ जाएगा, ठीक है। स्वीपर और वॉचमैन की सैलरी हम इसमें से डिडक्टेड नहीं करेंगे क्योंकि हमें 30% वो मिलती है, तो 3 लाख का 30% करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। 90,000 को डिडक्ट करते तो 2,10,000 रुपीज़ हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी, बी इसका आंसर होगा, ठीक है। मिस्टर जे इज़ द ओनर ऑफ अ बिग हाउस विच इज़ वेकेंट फॉर द फुल ईयर। मीन्स वैल्यू ऑफ द हाउस इज 15,000 रुपये, फेयर रेंट इज 21,000, स्टैंडर्ड रेंट इज 18,000 पर मंथ, एंड म्यूनसिपल टैक्स पेड आर 5,000, कैलकुलेट NAV, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, 21,000 आ जाएगा। 21,000 का स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे 18,000, ठीक है, 18,000 18,036, ठीक है। तो 15,000 और 21,000, 21,000 को लेंगे, 21,000 18,000, तो 18,000 को हम लोग लेंगे, विच एवर लोअर आता है हमारे को, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है। 18,000 टू 12 को तो 2,16,000 आएगा, 2,16,000 में से 5,000 को हम डिडक्ट करते हैं तो हमारा जो आएगा आंसर वो नन ऑफ द अबव आएगा, 2,11,000 इसका आंसर आएगा। तो 2,11,000 तो यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब नन ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। नेट एनुअल वैल्यू हमारी हाउस हाउस की निकल के आ गई, ठीक है। अब 30 को देखते हैं। मिस्टर जे लिमिटेड इज द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, मिस्टर जे इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट ऑन रेंट इज 60,000 पर मंथ, लिमिटेड म्यूनसिपल टैक्स इज 80,000 पर एनम है यहाँ पर। ही टुक अ लोन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फॉर परचेजिंग दिस हाउस, इट वॉज पेड इंटरेस्ट ऑफ 1,20,000 रुपये पर एनम। कैलकुलेट हाउस प्रॉपर्टी इफ जे लिमिटेड हैज डन TDS और डिपॉजिटेड विद इट, डिपॉजिट इट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है। तो डिपॉजिट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो अब हम देखते हैं 60,000 पर मंथ है, 60,000 इंटू 12, 60,000 इंटू 12, 7,20,000 आ गया। उसमें से हमने 80,000 को डिडक्ट किया, म्यूनसिपल टैक्स डिडक्टेबल है, तो कितना हो गया 6,40,000। 6,40,000 हमारी नेट एनुअल वैल्यू आ गई। उसमें से हमने क्या किया, नेट एनुअल वैल्यू में से का 30% हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, जो कि हमारी करीब 6,40,000 का 30% 180 और 12, 1,92,000 हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगी, ठीक है, वो हम माइनस कर देते हैं। और एक जो इंटरेस्ट टू द बैंक इज 1,20,000, जो इंटरेस्ट टू द बैंक को क्या, जो कि सेक्शन 25 की एक ही 25 की सारे सेक्शन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि TDS काटा जा रहा है, ठीक है, TDS कट रहा है। अगर यहाँ वैसे तो टुक अ लोन फ्रॉम बैंक इन ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, फॉर परचेजिंग दिस हाउस, वहाँ से लोन लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसकी TDS की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर रहा है वो, राइट, सेक्शन 25 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डिडक्टेबल है, राइट। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा अभी निकल कर आया था 6,40,000 में से 1,92,000 हम उसमें से स्टैंड डिडक्शन को माइनस करते हैं तो 4,48,000 आ जाएगा, और उसमें से 1,20,000 माइनस करोगे तो आपका 3,28,000, इसका हमारा आंसर आएगा 3,28,000, ठीक है, राइट। तो क्लियर हुए, होपली आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सारे आज आपने सारे रूल्स मेरे साथ डिस्कस करें, मैंने उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कहा जो आपके लिए अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।